कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम और आबादी के दृष्टि से सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लिहाजा शहर की साफ सफाई को ठप होता देख नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खुद शहर की सफाई में जुटे हुए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को भी साथ लिया गया है। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए नगर आयुक्त ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। साथ ही सफाई कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने की अपील भी करते हुए कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। दरअसल सफाई कर्मचारी इसलिए हड़ताल पर हैं कि वह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 500 रुपए प्रतिदिन वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि नगर निगम का कहना है कि अभी उनकी आय बहुत कम है, लिहाजा जैसी ही व्यवस्था बनेगी वह सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए प्रतिदिन का वेतन देंगे। लेकिन कर्मचारियों को हड़ताल के बजाय सहयोग करना होगा। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद जहां जगह जगह साफ सफाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं नगर आयुक्त ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को साथ लेकर वैकल्पिक व्यवस्था से साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। अब तक कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि लाखों की आबादी वाले शहर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को साफ सफाई करनी चाहिए और हड़ताल स्थगित करनी चाहिए, जबकि कर्मचारी निगम प्रशासन की बात मानने को तैयार नहीं है। 25 तारीख से हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं विभिन्न श्रेणियों के, वो कार बहिष्कार पर हैं और मैंने उनसे वार्ता भी करी है, मेयर साहब ने वार्ता करी है, अपील भी करी है, नोटिस भी जारी किया है, लेकिन आज 28 तक वो लगातार अभी कार बहिष्कार पर ही हैं। इससे निश्चित तौर पर सफाई की स्थिति में गिरावट आई है। कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हैं, जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं उनको उठाने का काम मैं लगातार कर रहा हूँ, 25 तारीख से ही कर रहा हूँ। इसीलिए अभी हमारा जो सेकेंडरी स्टेशन है मैं उसको प्रतिदिन खाली करने में सफल रहा हूँ और आज मैं पुनः उसको सफाई अभियान में लगा हूँ। मैं स्वयं यहाँ नारीमन पर खड़ा हूँ। हमारी टीम में भी एक असुरक्षा का भाव था जिसके कारण मैं मुझे लगातार उनके साथ रहना पड़ रहा है और मेरी पब्लिक से भी अपील है कि कूड़ा सड़कों पर नालियों में न डालें, सेकेंडरी स्टेशन तक पहुँचा दें, वहाँ से हम उसे उठा लेंगे। और अपने सफाई कर्मचारियों से मैं आप मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जनहित में कार्य पर वापस आएँ, उनकी विधिक मांगों पर विचार करते हुए इसे पूरा किया जाएगा और जो वित्तीय मांगे हैं वित्तीय स्थिति ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, वित्तीय स्थिति ठीक होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। वजह क्या है कि उनकी बात नहीं मिल पा रही? उनकी जो प्रमुखता की मांगे हैं वो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो भुगतान करने की मांगे वो है, लेकिन शासनादेश के अनुसार भी वो देने की जिम्मेदारी निगम को अपने वित्तीय संसाधनों पर दी गई है। निगम के वित्तीय संसाधन पिछले 6 माह में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपया बढ़े हैं और उनको अभी 6 करोड़ तक बढ़ाए जाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूँ। विभिन्न मदों में जहाँ पर आमदनी बढ़ सकती है, जहाँ पर हमारे टैक्स के हमारे राइट्स हैं और अभी तक नहीं लगे हैं, उनको लगाया जाए, उनकी वसूली की जाए, लेकिन जब तक हमारी सेवाएं संतोषजनक नहीं होंगी तब तक वसूली कार्य प्रभावित होता है। छुट्टी पे भी रोक लगाई आपने? हमारे जो कर्मचारी कार्यालय कर्मचारी हैं उनका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है, उनकी अवकाश पर इसलिए रोक लगाई गई है ताकि उनके सहयोग से हम जो शहर की व्यवस्था है उसको अपने नियंत्रण में रख सकें और जिनको आवश्यकता होगी स्वास्थ्य संबंधी कारण होंगे उनको अवकाश भी दिया जाए। अधिकारियों को भी क्या निर्देश दिए गए हैं कि वापस लौटें? हाँ, मेरी अपील भी है और उनको जो विधि संगत नोटिस है वो भी दिया गया है और मैंने अपील करी है कि आज 28 तारीख को कार्य पर वापस आ जाएं। यदि कार्य पर नहीं आते हैं तो जो भी विधि कार्रवाई होगी की जाए। आखिर आप कब तक ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे, कब तक दिखते रहेंगे? नहीं देखिए, ये हमारा मूल दायित्व है, नगर निगम का मूल दायित्व है शहर को साफ और स्वच्छ रखना। हड़ताल के कारण स्थितियाँ खराब हुई हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन सड़कों पर उतर करके अपने कर्मचारियों के साथ जो प्राइवेट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के इस स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं ऐसा है ना, वोट में तो पैसा आ ही रहा है, जो सरकार द्वारा जो हमारी ग्रांट आती है वो तिमाही 9 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है। सरकार द्वारा जो ग्रांट आती है वो 9 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है तिमाही, तो सरकार तो पैसा दे ही रही है, ऐसी बात नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 महीने पहले घोषणा कर रखी है कि 15,000 रुपये वेतन की, तो हम तो इनसे कुछ नई चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं भाई। जो शासन के आदेश हैं, जो दूसरी तीसरी नगर पालिका है, नगर निगम और नगर पंचायत, उन शासन के आदेशों को फॉलो कर रही है, हम तो वही फॉलो करने के लिए कह रहे हैं माननीय मुख्य नगर अधिकारी जी से, महापौर जी से कि आप उन आदेशों को फॉलो। हम कोई 20,000 थोड़ी मांग रहे हैं, 15,000 रुपये मांग रहे हैं जो सरकार का जियो है। तो शहर की सफाई व्यवस्था? नहीं, सफाई व्यवस्था तो अभी हम नहीं कर रहे हैं और आप जो तरह तरह के फरमान जारी कर दे रहे हैं मुख्य, अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि एक नया फरमान जारी कर दिया है, स्वच्छता समिति समिता जो कामों पर नहीं आएंगे वो तुरंत भंग कर दी जाएंगी। हम देखे कैसे भंग करेंगे ये, अभी तो हम जो है अपनी सीमाओं के अंतर्गत आंदोलन कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें सीमाओं से बाहर जाके भी आंदोलन करना पड़ेगा, फिर ये अधिकारी देख लें क्या होगा। कब तक चलेगा? नहीं तो ये तो अनिश्चितकालीन के लिए हमने आंदोलन कर रखा है, जब तक 15,000 रुपये का मानदेय और दूसरी तीसरी मांगे हैं, हमारी आवासों की मांग है,
जो स्वच्छता समिति के साथ जो हमारे डोर टू डोर पे लोग लगे हुए हैं उनको नगर निगम में सम्मिलित किया जाए, ये मांगे हैं, नौ सूत्री मांगे। तो शहर की सफाई व्यवस्था कैसे सही होगी फिर? नहीं, शहर की सफाई व्यवस्था हमें करनी चाहिए, शहर की सफाई व्यवस्था, और हम करते हैं, मगर उसका मानदेय भी तो दिया जाए हमें। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोविड जैसी बीमारी आई थी, हमने अपने कामों में कहाँ कोताही बरती, अच्छे से अच्छी सेवा देने की कोशिश करी। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने उनके परिवार के लोगों ने अपने परिवार की बॉडियाँ नहीं छुई, हमारे लोगों ने छुई,